श्री गुरु पाद पद्म नीति लीला प्रभु विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरु वरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सबसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्य पाद श्रीधर महाराज समस्त भक्तवृंद सबको मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो अभी हम जिस स्थान पे आए हैं यह है चटक पर्वत। जैसे कि हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि जगन्नाथपुरी क्या है, विप्रलम्ब क्षेत्र है। जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है तो मिलन में वो सामने कृष्ण को देखती है, कृष्ण राधा जी को देखते हैं, लेकिन मिलन से भी कोटि कोटि मिलन होता है विरह के अंदर। जब विरह होता है तो विरह के अंदर राधा जी एक ऐसे वन में गई है जहाँ पे अनेक अनेक तपाल वन है। तो वो अभी तो देखो चारों तरफ ही कृष्ण कृष्ण दर्शन होता है। तो जो विरह होता है, विरह के अंदर होता है किस प्रकार का उद्दीपन होता है, जब चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं जगन्नाथ है, जो कि स्वयं यशोदा नंदन है, साक्षात गिरिराज गोवर्धन के रूप में उनको इसका दर्शन होता था। और हमारे गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने देखा कि ये तो इतनी विशेष लीला स्थली है कि जिस चटक पर्वत को देख के चैतन्य महाप्रभु को किसका स्मरण होता है, साक्षात गोवर्धन का स्मरण होता है। इस कारण से प्रभुपाद जी ने इस स्थान को संग्रह किया और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो आप देख रहे हैं सुंदर भगवान की सेवा को प्रकाशित किया। जो हम ऊपर जाएंगे, जो प्रभुपाद जी की भजन कुटी है, ये स्थान जब बन रहा था, ये स्थान कैसे था, नीचे से ऐसे ऊपर की ओर था। तो जब कई बिल्डिंग बनाते हैं, आपको पता होगा, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, लेवल करना पड़ता है। तो जब ये स्थान बन रहा था तो उस समय के जो भी भक्त लोग थे उन्होंने क्या किया, तोड़ के इसको लेवल करना शुरू किया। प्रभुपाद जी बोले नहीं, इसको तोड़ते क्यों, बोले लेवल कैसे होगा, बोले उठाने से भी तो लेवल हो सकता है, उठा के लेवल करो। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो स्थान है ये चटक पर्वत है, जो साक्षात गिरिराज गोवर्धन है। अब यहाँ पे जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो उनकी भजन कुटी है, उनके विषय में कुछ श्रवण करते हैं। अभी हम जो गा रहे थे सुजनार बुदरादित पाद युगम, इसमें बड़ा ही सुंदर एक पद आता है, परम हंस वरम परमार्थ पते पतितो धरणे कृत वैश्यते यदि परमामि सदा प्रभु पाद पद्म। कि प्रभुपाद जी कौन है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। प्रभुपाद जी कौन है, कल रथ यात्रा आरंभ होती है, वो जो रोड है जिसपे भगवान जी का रथ खींचा जाता है, वहीं पे ही प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है। वहीं पे ही जगन्नाथ जब कृष्ण को कटाक्ष मार के देखती है तो कृष्ण का कैसा स्थिति होता है, वेणु करानि पतितम, कृष्ण के हाथ से उनकी वेणु गिर जाती है, उनकी बंसी गिर जाती है, उनका पिताम्बर गिर जाता है, वो स्वयं भी गिरने वाले होते हैं। तो वही जो उनकी प्रतिमूर्ति है राधा रानी, राधा रानी के नैनों की प्रतिमूर्ति है प्रभुपाद नयन मंजरी। जब वो जगन्नाथ जी के सामने आए तो जगन्नाथ जी की माला अपने आप गिर जाती है उनके सौंदर्य को देख के। तो ये जो प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी उस जगत की शुद्ध सरस्वती है, उस जगत की शुद्ध सरस्वती। प्रभुपाद जी ने जो विचारधारा इस जगत को दी है, इस जगत का दिया जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्रों में से उन्होंने सार को ले लिया। शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का जो सार है वो है कृष्ण भक्ति। शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष कितना कुछ है, लेकिन कृष्ण भक्ति को भी उन्होंने कौन सी वाली कृष्ण भक्ति ली, कृष्ण भक्ति भी उन्होंने वो ली जो ब्रज की कृष्ण भक्ति है। गुरुदेव फिर आगे बोलते थे कौन सी ब्रज की भक्ति करती है, वो बोली भक्ति, बोला उससे भी श्रेष्ठ जो सबसे ऊंचा रस है वो है श्रृंगार रस। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, शास्त्रों के सार के भी सार के भी सार को इस जगत को देना पड़े और पूरे परिवार की रक्षा हो तो बताओ क्या करना चाहिए, उसका बलिदान देके परिवार की रक्षा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, शास्त्र बोलते हैं करनी चाहिए। बताया कि अगर एक गांव के अंदर एक परिवार का बलिदान देना पड़े और पूरे गांव की रक्षा हो जाए तो क्या करना चाहिए, गांव की रक्षा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, गांव की रक्षा करनी चाहिए, एक परिवार का बलिदान देना चाहिए। बताया कि अगर एक पूरे राज्य के अंदर हजारों गांव हैं, सबकी रक्षा होती है, लेकिन एक गांव का बलिदान देना पड़े तो क्या कर देना चाहिए, दे के पूरे राज्य की रक्षा कर लेनी चाहिए। लेकिन ये जितनी सारी बातें बताई, ये बताई शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो महाभारत में आता है आत्म अर्थम पृथ्वी त्यजे, कि अगर एक जीव आत्मा की रक्षा करने के लिए, यानी कि अगर एक जीव भी कृष्ण उन्मुख हो जाता है, भगवान कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है, उस एक जीव के उन्मुख होने के लिए अगर पूरी पृथ्वी को भी त्याग करना पड़े, पूरी पृथ्वी का भी बलिदान देना पड़े तो क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में पहाड़ के ऊपर से बाढ़ आ गई। अब जब बाढ़ आ गई, वहां से सारे लोग नीचे बहते हुए आ रहे हैं, तो उनमें से आप में से कोई व्यक्ति कूदा
और उसने जाके किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश करी और पकड़ के उसका जो कोट था, जो कुर्ता था, उसको पकड़ के खींच के लेके आए। व्यक्ति तो बह गया लेकिन कुर्ता बचा लिया। फिर दूसरा फिर से छलांग मारी, कोई एक माता जी जा रही थी उसकी साड़ी पकड़ के खींच के लेके आए, साड़ी तो बच गई लेकिन वो बेचारी पता नहीं कहाँ चली गई। करते करते उसने 10-15 लोगों को पकड़ पकड़ के, उसके कपड़े तो खींच के वापस आ जाते थे लेकिन व्यक्ति बह जाता था। अब उसने 15 कपड़े बचा लिए। अब एक और व्यक्ति था, उसने किसी व्यक्ति को सर से चोटी से पकड़ा और चोटी से पकड़ के इसने एक व्यक्ति को बचा लिया। अब जिस व्यक्ति ने 15 लोगों के बहते हुए जो लोग डूब रहे थे उनके कपड़े बचाए और एक व्यक्ति ने एक जीवन व्यक्ति को बचाया, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो ये शरीर क्या है बताओ? ये शरीर क्या है? ये शरीर तो कपड़ा है, वस्त्र है, पुराना होता है, चेंज कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो आत्मदर्शी लोग होते हैं, आत्मदर्शी, उनकी बातें जो होती है हम लोगों को नहीं समझ में आती। इसलिए प्रभुपाद जी, शिल प्रभुपाद की जय, कटक पर्वत की जय, टोटा गोपीनाथ प्रेमानंदे हरी हरी। दूर करो टोटा गोपीनाथ में होकर के हम लोग आए। वहां पर जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जब चैतन्य महाप्रभु गया से आए, चंचल चैतन्य नहीं, उसके उपरांत तो भावुक चैतन्य हो चले थे और इतने भावुक हो जाते थे, हा कृष्ण करके कहीं भी पछा छाती में अपने दोनों हाथों के नाखून को गड़ा दिया और उनको फाड़ने के लिए एकदम से उग्र हुए। वहां पर एकदम से बिदादर पंडित ने उनको शांत किया, हाथ को पकड़ करके रोका, नहीं बाप रू आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, वो तो साक्षात रूप में आपको दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे, आप जैसे भावुक भक्त के लिए ही कृष्ण आते हैं, पधारते हैं। बड़े प्रेम से उनको समझा बुझा करके उनको शांत किया। ये सब दृश्य जब शची मैया ने देखा तो कहा, हे गदाधर तुम सहदेव ये मेरे निमाई के साथ रहना, इसको कदापि छोड़ना नहीं। तो वो संकल्प लिया कि अब इन्होंने संन्यास ले लिया है चैतन्य महाप्रभु ने और पुरी में आ गए हैं, तो मैं निश्चित तौर से यहीं रहूँगा और इनकी सेवा में तत्पर रहूँगा। इसलिए उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है किसी क्षेत्र से बाहर न जाना, उसकी सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। तो भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते करते एक बार जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ टोटा गोपीनाथ है, उनकी सेवा कौन करेगा, आप सुंदर तरीके से सेवा करते हैं। उन्होंने कहा, लाखों गोपीनाथ को मैं आपके लिए त्याग सकता हूं क्योंकि मेरा राग मेरी प्रीति आपसे है महाप्रभु, मैं आपके चरणों के लिए सेवा के लिए गोपीनाथ और अपना संकल्प जो क्षेत्र संन्यास का उसको भी त्याग सकता हूँ। तब ऐसे करते करते उनको चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आप पुनः लौट जाए, लेकिन नहीं लौट रहे हैं। कटक से उनको पुनः भेजा कि मेरा सुख तुम्हें प्रिय है या अपना सुख तुम्हें प्रिय है। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु आपका सुख मुझे अत्यंत प्रिय है, तो कृपा करके तुम लौट जाओ और वहां सेवा करो। ये सुनते ही वो पछाड़ खा के गिर गए, मूर्छित हो गए। तो ये गदाधर पंडित का पूरा ये क्षेत्र संन्यास वाला जो स्थली है पार देते थे और बड़े बड़े मछुआरे उनको जब पकड़ करके लाते थे तो उनकी शरीर की संधियां खुल जाती थी, उनकी घुटने बाहें गला इत्यादि इतना लंबा विशाल हो जाता, समुद्र को पूरा का पूरा उसमें एक विशाल तरीके से नजर आता। और कोई मछुआरे एक नहीं 100-100 मछुआरे उनको पकड़कर खींचते थे कि बहुत विशाल मछली पकड़ी, और जब देखते तो देखा कि ये क्या है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुंह से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, इस तरीके से निकलता तो छोड़ करके भाग जाते। तो भूत है ऐसा विशाल हमने जीव आस्था देखा, छोड़कर भाग जाता। तो यहाँ पर
इस चटक पर्वत को देख करके महापुरुष दौड़ते थे, ये गिरिराज है, यह दौड़ करके आते थे और इस तरीके की लीला यहाँ पर संपन्न है। और हमारे जो गौड़ी है करता, हमारे प्रभुपाद जी भक्ति साक्षात श्री गदाधर पंडित जी के अभिन्न तनु थे। श्री केदारनाथ, उनका नाम क्या था, उनका नाम भक्ति विनय ठाकुर, जिन्हें हम सप्तम गोस्वामी कहते हैं, जिन्होंने हमें विमला देवी का प्रसाद रूप में यहाँ पर विमला प्रसाद रूप में भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर प्रभुपाद जी प्रकट हुए। बोलो भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर प्रभुपाद की। इनके जो गुरुदेव हुए, इनके गुरुदेव भी अत्यंत अत्यंत विरक्त और महान रसिक संत जो श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उन्होंने पहले तो इनको दीक्षा ही प्रदान नहीं की और कई महीने तक इनको छकाया। बोला मैं किसी को शिष्य नहीं करता, बार बार इनको लौटा देते। इन्होंने कई प्रकार के व्रत रखे कि मैं किसी प्रकार से ऐसे तेजस्वी गुरु का शिष्य बन जाऊं। और तब जाके भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से उन्होंने जब उनसे कहा कि ये मर जाएगा, ये व्रत रख रहा है, इतने बड़े बड़े व्रत रख रहा है, आप कृपा करके इन्हें शिष्य कर लीजिए, तब उन्होंने शिष्य ग्रहण किया। और उन्होंने आज्ञा दी कि देखो, तुम यदि भजन करना चाहते हो तो तीन बातें याद रखना। पहली, कोई मठ का निर्माण नहीं करना। दूसरी, कलकत्ता में मठ और या आश्रम बनाने की चेष्टा मत करना। तीसरी, जब मैं शरीर को त्यागूं तो मेरे शरीर को रस्सी से बांध करके इस धाम की परिक्रमा करना, नदी धाम की। ये मेरी तीन इच्छा है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। देखो, गुरु की अवज्ञा और गुरु की आज्ञा, इसको समझना पड़ता है। ये तीनों को उन्होंने बिल्कुल समझ लिया कि मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि इस धाम की किस प्रकार से प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हो और ये शुद्ध भक्ति धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो, इसके लिए तुम हमेशा तत्पर रहना। इसीलिए कलकत्ता में ही उन्होंने प्रथम मठ बनाया। उसके उपरांत जितने भी 64 मठ उन्होंने बनाए, उसमें से एक बढ़कर एक जो उनके शिष्य रत्न रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे संसार में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे की गूंज प्रदान करी, भक्ति प्रदान की, शुद्ध भक्ति धारा प्रदान करी। तो और इस प्रकार से उन्होंने जब देखा कि उनके गुरुदेव नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, तो वहां पर कुछ जो झूठे शिष्य बनकर के खड़े हो गए, जो सहजिया थे, अन्य अन्य लोग थे, उन्होंने सोचा इतने महान संत, इनसे कुछ प्रतिष्ठा हमें मिलेगी, उनको सच में रस्सी से बांध करके नवदीप में घुमाने की चेष्टा की। वह तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर प्रभुपाद पहुंचे पुलिस को लेकर के और उनको रोका कि तुम लोग हट जाओ यहाँ से, तुम में से कोई भी इनका शिष्य नहीं, एकमात्र मैं इनका शिष्य हूँ। नहीं, हम भी इनके शिष्य नहीं, शिष्य केवल मैं हूं। तो वो लोग नहीं माने, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बतलाओ कि तुम में से कौन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो आगे आ जाए, वह इनको स्पर्श कर सकता है। कोई भी उनके पास नहीं आया, तो चलो आजीवन छोड़ो, किसी ने यदि 6 महीने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो वो आगे आए। 6 महीने भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, ठीक है, 3 महीने जिसने किया है। इस तरीके से करते करते 3 दिन का ब्रह्मचर्य भी करने वाले वहां पर कोई भी साधु नहीं थे। तो उन्होंने कहा आप लोग इनके शिष्य होने लायक नहीं है, आप इनको स्पर्श भी नहीं कर सकते, उल्टा इनके चरणों में अपराध कर रहे हैं, इनको बांधने की चेष्टा कर रहे हैं और नवदीप में इनको इस तरीके से घुमाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये महान संत हैं, इनकी शुद्ध तरीके से समाधि देनी है, तब इन्होंने समाधि प्रदान। ऐसे हमारे निर्भीक प्रभुपाद थे, जिनकी वजह से आज पूरे संसार में इतने अच्छे अच्छे संतों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से हम शुद्ध भक्ति धारा को स्पर्श कर पा रहे हैं या दर्शन कर पा रहे हैं। धन्यवाद। वांछा करते हैं।